यहाँ पर जी आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शादी कर ली है सर। किससे शादी करी? सचिन। हाँ सचिन। अच्छा उसने अपना धर्म बदला? धर्म बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा यहाँ इंडिया में आई है। आ गई है। अच्छा अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? साथ रह रहे बिल्कुल। मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इस पर बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई है। हाँ? नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम तीन बच्चों के साथ। अच्छा वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गए? अच्छा वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं छोड़ी। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा? हाँ अच्छा उसको नहीं छोड़े अभी? अच्छा मालूम भी नहीं। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? अरे वाह, अरे ये कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? अरे मजा, अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ये ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इस पर, क्या बोलेंगे ये तो? अब वकील साहब आप बोलो इसको, कानून आप बेहतर जानते हैं। आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं पहने, को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, तीन बच्चे है, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? शादी कर लिए कन्वर्शन? तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बाप।